जी बेटा, ये दोनों अप्रोक्सीमेटली बेल शेप्ड ही हैं। ये फीमेल वाली ज्यादा बेल शेप्ड है एज कंपेयर टू मेल। आवाज आ गई? यस सर, आ रही है आवाज। अच्छा, ये अब देखें, इसने ना हिस्टोग्राम बना के ऊपर नॉर्मल कर्व भी ड्रा कर दिया है। तो फीमेल जो है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन वर्किंग आवर्स की ज़्यादा नॉर्मल है एज कंपेयर टू, लेकिन ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली दोनों। ये हमारा चूंकि सैम्पल साइज बहुत बड़ा है, दोनों सैम्पल जो हैं वो 30 से बड़े हैं, टोटल थे 219। अब इसमें अभी चेक करेंगे इसमें कितने थे। तो वन लार्ज सैम्पल में बेटा ये नॉर्मेलिटी इशू नहीं रहता, ठीक है। दूसरा, इसका आपने ग्राफ जो लेना है बेटा, वो चार्ट बिल्डर में से भी हो सकता है, चार्ट बिल्डर में से भी ये सी चीज बन सकती थी। आपने इसमें से चूज करना है चार्ट बिल्डर में, लिखो ग्राफ्स चार्ट बिल्डर, इसके लिख लो स्टेप्स, ग्राफ्स चार्ट बिल्डर, इसमें से बॉक्स प्लॉट चूज करना है आपने गैलरी में से। स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। हाँ, तो मैंने कौन सा चूज किया था, ग्राफ्स। ग्राफ्स के बाद आपने बेटा इसका चूज करना है, चलो इसका वो लेगेसी में से भी कर सकते थे, चलो उसमें से वापस आ जाएं, ग्राफ लेगेसी डायलॉग, और उसमें से चूज करना है बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट सिंपल आपने चूज करना है, और इसमें से डिफाइन करने हैं आपने किन को करना है। यहां से भी हो सकता है, और मैं इसका दूसरा भी तरीका आपको, सिंपल तरीका है वो, ग्राफ लिख रहे हैं कमांड के नहीं, सर लिख रहे हैं, लिख रहे हैं सर। ग्राफ, उसके बाद चार्ट बिल्डर, चार्ट बिल्डर में आएंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसमें से आपने बेटा गैलरी में से ये चूज करना है, ये लिस्ट स्क्रॉल डाउन लिस्ट में से बॉक्स प्लॉट। यहाँ आपने पहले वाला ही सिंपल जो बॉक्स प्लॉट है ना, सिंपल, अगला कौन सा है क्लस्टर्ड, आगे है 1D, आपने सिंपल बॉक्स प्लॉट सेलेक्ट करना है। इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, पैन में आ जाएगा, नजर आ गया ये पैन में। जी सर। अच्छा, अब आपने इसके एक्स एक्सिस पे तो रखना है वर्किंग आवर्स, सॉरी वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे नहीं आएगा, वाई एक्सिस पे आएगा वर्किंग आवर्स, लिख लिया। टेस्ट वेरिएबल जो है वो वाई आपका आ गया वाई एक्सेस पे, और जेंडर जो है वो आएगा एक्स एक्सेस पे। यहाँ से आप सिलेक्ट करके उसको ड्रैग ड्रैग कर लेंगे इधर। समझ आ गई कि नहीं आई, कैसे आने हैं, एक दफा फिर करके दिखा दूँ, क्या लिखा था भला, मुझे कमांड बताओ, यस सर, आ गई। द कमांड ग्राफ बताओ। चार्ट बिल्डर ग्राफ चार्ट बिल्डर, और ये ओके प्रेस, चार्ट बिल्डर इसमें से गैलरी स्क्रॉल में से बॉक्स प्लॉट सेलेक्ट करना है, सिंपल यस सर। को, सिंपल को डबल क्लिक करेंगे, ऊपर ये पैन में चला गया। अब आपने ड्रैग करना है, यहाँ पर ड्रैग और ड्रॉप करना है। ड्रैग किसको करना है बेटा, हाई आपका जो टेस्ट वेरिएबल है ना वर्किंग आवर्स, उसको वाई एक्सिस पे ड्रैग ड्रॉप करें, ये आ गया इस तरफ, और जेंडर को आपने कंपैरिजन जेंडर वाइज करना है ना, तो जेंडर जो है वो एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। अब इसको ओके कर दे, तो ये आपको स्क्रीन पे बॉक्स प्लॉट नजर आ रहा है, नजर आ रहा है स्क्रीन पे बॉक्स प्लॉट बेटा। यस सर। हिस्टोग्राम कंपैरिजन करेगा शेप्स का, ये बॉक्स प्लॉट जो है ना, ये आपको एक अंदाजा प्रोवाइड करेगा, इसकी आप मीडियन लाइंस देख रहे हैं,
बॉक्स के दरमियान में एक लाइन है, जी सर, इसको मीडियन, ये मीडियन लाइन यस सर, ये एवरेज होती है। अब देखो दोनों दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक की एवरेज वाली लाइन ऊपर है और एक वाली नीचे है, ऐसे ही है। यस सर। अच्छा इसकी बेटा ये बॉक्स प्लॉट को पढ़ना आता है कि नहीं आता? नहीं सर, आप बताएं। इसका बेटा ये वाला जो होते हैं ना एंड पॉइंट्स दोनों, ये एक लाइन ऊपर को खींची और एक नीचे और आगे टी बनी हुई है, नजर आ रही है ये ऊपर नीचे जो लाइन खींच के टी बनाई है? यस सर। ये बेटा इसके होते हैं रेंज, रेंज अब रेंज से बाहर एक आपको नजर आ रहा है डॉट नजर आ रहा है पहले फीमेल के ऊपर, बाकी यार काम जरा बाद में कर लेना। ऐसा करो, अच्छा कल सुनो ना जी, ये आपको नजर आ रहा है बेटा फीमेल वाली बॉक्स के ऊपर 59 लिखा हुआ है, डॉट लगा हुआ है, ये इसको हम आउटलायर कहते हैं कि ये एक ऐसा, ये बाकी डाटा से हट के एक वैल्यू आ गई। इसी तरह मेल स्टूडेंट्स में भी आउटलायर्स हैं, यानी एक्सट्रीमली लॉन्ग वर्किंग वाले, ये एक्सट्रीम केसेस हैं, ये नॉर्मल रेंज जो है वो बेटा ये टी तक होती है ऊपर नीचे वाले। सर ये एक बात रिपीट करिएगा जो आप बता रहे थे, ये जो हाईएस्ट पॉइंट और पीक पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट के बारे में, ये रेंज होती है, ये टी बनी हुई है ना ऊपर नीचे, यस सर, ये रेंज है नॉर्मल रेंज हमारे वर्किंग आर की, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए और मेल स्टूडेंट्स के लिए भी ये रेंज है वर्किंग आवर्स की रेंज, कि मिनिमम कितने हैं और मैक्सिमम कितने हैं। इससे ऊपर आपको, इन रेंजेस से ऊपर ना आपको नजर आ रहे हैं ये आउटलायर कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? आउटलायर्स, आउटलायर्स ये एक्सट्रीम एक्सट्रीम केसेस होते हैं, ये नीचे की तरफ भी हो सकते हैं और ये एक्सट्रीमली स्मॉल भी हो सकते हैं, एक्सट्रीमली लार्ज भी हो सकते हैं, यानी ये वो केसेस हैं जो आम आम पब्लिक से हटके हैं। ये आउटलायर्स जो हैं कभी फायदे में भी होते हैं कभी नुकसान में भी होते हैं, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, मटेरियल अवेलेबल है आप पढ़ सकते हैं। ये आउटलायर्स जो होते हैं इनका फायदा भी बार दफा होता है, ये हर दफा नुकसानदेह चीज नहीं होते, कभी इनका फायदा भी होता है। अभी आप इनको देखें कि हमारी नॉर्मल रेंजेस जो हैं इनमें, इनको अगर एवरेज वाली लाइंस को देखें तो एवरेज लाइंस दोनों की थोड़ा सा फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा? एवरेज में फर्क आ रहा है सर, फर्क आ रहा है, फीमेल वाली लाइन थोड़ी सी नीचे है जो एवरेज लाइन है, मीडियन लाइन। अच्छा इसके मैं बॉक्स प्लॉट की बता रहा था, ये एंड पॉइंट्स तो हो गए इनके रेंज मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। आगे बॉक्स का जो शुरू होता है ना, बॉक्स वाली, बॉक्स वाला नीचे वाला हिस्सा Q1 और ऊपर वाली जो होती है ना ये रेक्टेंगल जहां पे एंड हुई है ऊपर की तरफ, वो Q3 है, नीचे वाला एंड क्यू, नीचे वाली लाइन इसकी रेक्टेंगल की Q1 है और ऊपर वाली Q3 है और दरमियान में मीडियन है। इसका मतलब है दरमियान वाला 50% डाटा, Q1 और Q3 के दरमियान कितना होता है डाटा, याद है? फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल, नहीं पता तो मुझे बता दे, मैं ही बता दूं। 75
हाँ Q3 जो है वो उससे ऊपर वाले होते हैं 25%। यानी ये देखो आप फीमेल की लाइन जो Q3 वाली है 20 के सामने आ रही है और उसका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 30 है। तो 20 और 30 के दरमियान जो वर्किंग आवर्स वाले थे वो 25% स्टूडेंट हैं। 25% फीमेल स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जिनके वर्किंग आवर्स 20 और 30 के दरमियान है। ठीक है सर जी नहीं पता चला आपने क्वार्टर का कैसे किया है। ये बेटा, ये रेक्टेंगल आपको नजर, मैंने बताया वो टी जो होते हैं ना, दोनों टी ऊपर और नीचे वाला, ये तो होते हैं इसके मिनिमम और मैक्सिमम वर्किंग आवर्स। ये हमें बता रहे हैं कि लीस्ट और लार्जेस्ट वर्किंग आवर्स। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके 45 वर्किंग आवर्स थे, वो छोड़ दिया गया, वो इसमें शामिल नहीं किया, वो आउटलायर उसको कह दिया। स्टूडेंट सैंपल नंबर 59 है वो हमारा, वो जो हमारी पीछे वाली लिस्ट थी ना उसमें 59 नंबर पे जो स्टूडेंट था उसने ये, अब देखो ये डॉट किसके सामने आ रहा है, 40 और 50 के दरमियान आ रहा है ना। क्यों भाई? फीमेल के ऊपर जो डॉट यस ये कहाँ पे आ रहा है, 40 और 50 वर्किंग आवर्स के दरमियान। सर तो जरूरी नहीं तकरीबन 45 हो, 46 भी हो सकता है, हाँ 7 भी हाँ हो सकता है। तकरीबन मैं कह रहा हूँ, तकरीबन कह रहा हूँ कि ये 45 के अराउंड आ रहा है। तो ये आउटलायर है, या बाकी स्टूडेंट्स कोई इतना एक्सट्रीम पे नहीं गए, वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक गए हैं, 30 आर्स तक। ये आपको ऊपर वाली फीमेल की जो टी की नजर आ रही है ना, ये किसके सामने है, 30 के सामने तकरीबन आ रही है। यस सर हाँ तो इसका मतलब है आम स्टूडेंट्स तो ज्यादा से ज्यादा 30 घंटे काम कर रहे हैं। ये जो 45 वाला है ये स्पेशल केस है, ये आउटलायर है, ये पर वीक है, इसको आउटलायर कहते हैं। ठीक है अब देखो मेजॉरिटी तो कर रही है ये, 0 से ऊपर मेरा ख्याल है कोई तकरीबन, अगर इसका करें तो ये 2 2 घंटे तकरीबन 2 से स्टार्ट हो रहा है नीचे वाली टी। अगर इसके 5 हिस्से किए जाए ना 0 और 10 के दरमियान, तो ये तकरीबन 2 हिस्से बनते हैं। कितना बनेगा ये अंदाजन, 2 2 घंटे वाले हैं, यस सर 2 के सामने ही आएगा तकरीबन ये नीचे वाला। इसका मतलब है जो स्टूडेंट्स हैं उनके वर्किंग आवर्स हैं 2 और 30 घंटे के दरमियान, 2 घंटे और 30 घंटे के दरमियान वर्किंग आवर्स थे। जिनमें से ये नीचे वाली लाइन जो है ये तकरीबन 8 के सामने आ रही होगी रेक्टेंगल की, यस सर तकरीबन 8 के सामने ही आ रही है ना। तो 8 हो गया Q1, फर्स्ट क्वार्टाइल हो गया 8, और ऊपर वाली लाइन तकरीबन 20 के सामने आ रही है या 19 के सामने, पता नहीं अब मैं इसको सही जज नहीं कर, आप जरा देखें कहाँ पे आ रही, 20 के सामने ही आ रही है। चलो अप्रोक्सीमेटली हम कौन सी एग्जैक्ट फिगर देख रहे हैं। जी सर 20 पे ही है। हाँ तो इसका मतलब ये हुआ कि 25% स्टूडेंट्स 2 और 8 घंटे के दरमियान काम कर रहे हैं। 25% स्टूडेंट्स कितने घंटे काम कर रहे हैं, 2 से लेकर 8 घंटे के दरमियान। सर ये कैसे पता चला कि 25% 2 से 8 घंटे तक, ये नहीं समझ आ रहा सर। स्टार्ट से लेकर ऊपर वाली रेक्टेंगल की जो नीचे वाली लाइन है ये Q1 है, Q1 से नीचे होते हैं 25%, Q3 से ऊपर भी 25% होते हैं। ये क्वार्टाइल क्वार्टर होता है, क्वार्टर कितना होता है, 25 1/4 होता है ना। यस सर हाँ तो क्वार्टर वन यस सर फोर्थ हो गया, तो हर हिस्सा 1/4 होता है, 25% हर हिस्सा कितना होता है क्वार्टाइल का, 25% का। 1/4 ये हाँ तो 25% होता है। स्टार्ट से लेकर Q1 तक 1/4 हो गए 25%। तो इसका मतलब है 25% स्टूडेंट्स उनके वर्किंग आवर जो है वो 2 और 8 घंटे के दरमियान है।
आठ इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता इसकी रेक्टेंगल की नीचे वाली लाइन मेरे अंदाजे के मुताबिक आठ होगी या नौ होगी। सर इसका इसका हम ये नहीं कह सकते कि एवरेज जो फीमेल स्टूडेंट फीमेल है वो 8 घंटे काम कर सकती है। नहीं, एवरेज नहीं, यहाँ से ये स्टार्ट से लेकर Q1 तक चौथा हिस्सा ये हो गए, ये बॉक्स जो है ना ये 50%, बाकी 50% दरमियान वाला बॉक्स के अंदर आता है इसके दोनों एंड पॉइंट्स के ऊपर, रेक्टेंगल की लोअर और अपर लाइन जो है। अब अपर लाइन से ऊपर भी 25% बचते हैं, ये अपर लाइन जो है ना ये Q1 Q3 है, रेक्टेंगल की नीचे वाली लाइन Q1 उससे नीचे 25%, ऊपर वाली लाइन Q3 होती है और Q3 से ऊपर भी 25% हो गए, तो बाकी 50% होते हैं ये बॉक्स के अंदर, यानी आधी आपकी फीमेल्स इस बॉक्स के अंदर है Q1 और Q3 के दरमियान, जिनके वर्किंग आवर 8 और 20 के दरमियान है। 50% फीमेल्स ऐसी हैं जो 8 और 20 घंटे के दरमियान काम, ये इसका हर हिस्सा बेटा 25-25 का होता है, ऊपर वाला और नीचे वाला, दरमियान वाला जो बॉक्स है रेक्टेंगल जो होती है ये होती है 50% डाटा को रिप्रेजेंट, इसके एंड पॉइंट्स जो है वो 50% डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। बहरहाल इसका बॉक्स प्लॉट का भी आप पढ़ सकते हैं, आपको जो मैंने ये आपके पास बुक है ना इसमें बॉक्स प्लॉट बड़े अच्छे तरीके से चैप्टर नंबर 4 में एक्सप्लेन किया गया है, उसको पढ़ना जरा वहां से। तो अब हम कंपैरिजन क्या करना चाह रहे थे बेटा, वर्किंग आवर्स में अगर हम देखें तो दोनों मेल और फीमेल जो रेक्टेंगल्स हैं इनके दरमियान में जो एवरेज की लाइन फॉल कर रही है, मीडियन लाइन, मीडियन भी एवरेज ही है मीन की तरह, सिमेट्रिक डाटा में ये मीन मीडियन मोड के आंसर सेम होते हैं, आपने पढ़ा है ना अभी लास्ट टाइम के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती हैं उनमें मीन मीडियन मोड सेम होते हैं, तो हमने ग्राफिकली भी देखा है कि ऑलमोस्ट हमारे ये दोनों, ये ग्राफिकली भी दोनों बेल शेप्ड ही हैं ऑलमोस्ट, तकरीबन एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट आप देखें ये ग्राफ तो बेल शेप्ड ही नजर आ रहे हैं ना। मुझे जवाब कोई नहीं देता, ऐसे ही लगता है जैसे सो गए हैं। नहीं सर आपके ये पास ही नहीं सर सुन रहे हैं। अब ये क्लियर हो गया, बॉक्स प्लॉट हमें बता रहा है कि जी एवरेज दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, जो वर्किंग आवर्स है ना दोनों ग्रुप्स के मेल और फीमेल इनके फर्क, तो ये आपके हाइपोथेसिस टेस्ट से पहले पहले आपको कुछ ओवरव्यूज मिल जाते हैं, एक नॉर्मेलिटी के बारे में, एक इनकी कंपैरिजन हो जाता है बॉक्स प्लॉट के थ्रू के क्या दोनों की एवरेजेस में कोई फर्क नजर आ रहा है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हमने आगे हाइपोथेसिस हमारा ये टेस्ट करेगा कि जी क्या ये फर्क इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि हम एच नॉट को रिजेक्ट कर दें, उसके लिए आपने फिर कैलकुलेशंस लेनी है। अब बेटा बाकी आपका सारा काम वही है, सिर्फ पांचवा स्टेप जो था ना जो आप कैलकुलेटर से पहले किया करते थे वो अब आपको सॉफ्टवेयर से मिलेगा, बाकी आपने वैसे ही पांच प्रोसीजर आपने अभी 5 स्टेप भी करना है, लेकिन जब थीसिस लिखेंगे फिर 5 स्टेप प्रोसीजर नहीं होता, फिर हाइपोथेसिस बताना होता है और आखिर में ये एक रिपोर्ट लिखनी होती है सारे डाटा की बेस पे, उसमें बॉक्स प्लॉट, उसमें पहले तो नॉर्मेलिटी डिस्कस हो जाती है, फिर उसके बाद बॉक्स प्लॉट डिस्कस हो जाता है, फिर उसके बाद आप इसके एनालाइज टी इंडिपेंडेंट। हाँ जी क्या करूँ, आप मुझे कोई गाइड करेगा, मैं ठहरो पूछता हूँ जो मैंने चीज़ें बताई थी किसी को आती भी है कि नहीं आती, मैं खुद पूछता हूँ कि जी अब आगे क्या करना है, ये भला कौन बताएगा मुझे, अवैस ही बताएगा 37, अवैस 37, अवैस हो गया हुआ है ना, जी सर, जी जी सर, जानते हो अवैध, बताओ अब मैंने कौन सा वेरिएबल, सर मैं जाग रहा हूँ, हाँ बताओ कौन से वेरिएबल करने हैं, सर हावर्स वाले किए हैं अभी, हावर्स वाले किए हैं सर अभी,
हाँ जी, टेस्ट वेरिएबल कौन सा होगा? वर्क आवर कंपेयर कर रहे हैं। जी सर, अभी तो वर्किंग आवर वाले किए हैं हाँ, तो वर्किंग आवर कंपेयर कर रहे हैं। आवर्स ऑफ आवर्स सर। ये हो गया हमारा टेस्ट वेरिएबल, और ग्रुपिंग वेरिएबल जी सर, और जेंडर जो है, जेंडर जो है वो जेंडर ग्रुपिंग वेरिएबल होगा। आप डिफाइन ग्रुप, इसमें कोड क्या था, भला मेल का कोड क्या था, फीमेल का क्या था, किसको रखा है पहला ग्रुप में? सर पहले मेल आएगा और सेकंड में फीमेल नहीं, आएगा। नहीं जरूरी नहीं पहले मेल आना है, ये हाइपोथेसिस डिपेंड है, मैं हाइपोथेसिस देख लूं। ये जी सर, सर हाइपोथेसिस में एम में पहले मेल है। ये नहीं, मैंने इधर जो लिखा है स्लाइड में एफ, आपने कौन सा लिखा है? पहले एम लिखा है। यस सर, एम लिखा। अच्छा चलो, एम लिखा हुआ, ग्रुप वन मेल लिखा है, तो ये कैपिटल एम था या स्मॉल एम? सर कैपिटल है, कैपिटल एम और कैपिटल एफ। कैपिटल है, ये वही लिखने हैं जो कोड वहां पे लगाए होंगे, वही लिखने हैं। यस सर, जो डाटा में कोडिंग हुई। हाँ, ये ओके कर दें इसको, और ये आ गए इसके जी रिजल्ट्स। सर स्लाइड नहीं शो हो रही। कौन सी स्लाइड? ये जो आप सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन नहीं शो हो रही, क्या नजर आ रहा है? स्लाइड्स नजर आ रही है अब सही। अब सर सीनियर सर अभी शो हो रही, आउटपुट आ गया। अब देखो मेल, हमने उसमें से 219 का हमारा टोटल सैंपल था, जिसमें से हमने वो स्टूडेंट्स ओमिट कर दिए जो काम करते ही नहीं है, ठीक है। अब बाकी जो बचे उनमें से मेल कितने थे? 56 और फीमेल थी 62, ठीक है। ये दोनों सैंपल ही 30 से बड़े हैं, लिहाजा वो नॉर्मेलिटी इशू नहीं इसमें बनेगा। आप लिख सकते हैं कि एज बोथ सैंपल्स आर ग्रेटर देन 30, सो बाय यूजिंग सेंट्रल लिमिट थ्योरम, चैप्टर 8 में आप पढ़ेंगे, चैप्टर 8 की स्लाइड्स हैं आपके पास, उसमें सेंट्रल लिमिट थ्योरम दिया हुआ है, उसका हवाला बस दे देना होता है। जब दोनों सैंपल 30 से बड़े हो जाए ना, तो आपने उसका रेफरेंस दे देते हैं। वो सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये कहता है कि जी आपको नॉर्मेलिटी के बारे में फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका सैंपल साइज 30 से ज़्यादा है, ठीक है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? यस सर। नॉर्मेलिटी बेटा टी टेस्ट के लिए पे लाजमी शर्त है, लेकिन सैंपल साइज 30 से बढ़ जाए तो हमारा सेंट्रल लिमिट थ्योरम चैप्टर 8 में है, वो कहता है कि जी आपको अगर सैंपल साइज 30 से बढ़ जाए तो नॉर्मेलिटी के बारे में फिक्रमंद ना हो, वो नॉर्मल ही डाटा आपका नॉर्मल ही कंसिडर किया जाएगा, चाहे आपका ग्राफ बेल शेप बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। Yes, sir. अब बताओ मुझे यहाँ पे कौन सा यूज होना है? टी पूल्ड वाला, पहला पूल्ड वाला है, टी दो आ रहे हैं, 1.21 आ रहा है और 1.19। 1.21 वाला है इक्वल वेरिएंसेस के अगेंस्ट, और 1.19 वाला है इक्वल वेरिएंसेस नॉट अज्यूम्ड। पहला पूल्ड इक्वल, पहला पूल्ड, दूसरा अनपूल्ड, कौन सा करना है, पूल्ड या अनपूल्ड, ये कौन बताएगा? बल हिफ्जा बताएगी, हिफ्जा सुन रही है? हिफ्जा अर्शद, सिग्निफिकेंस वैल्यूज से सर, पी वैल्यूज नहीं। आपने देखो ना, डिसीजन हाइपोथेसिस टेस्ट करना है, दो टी दिए हुए, कौन सा टी यूज करना है, इक्वल वेरिएंसेस वाला या अनइक्वल वाला? इक्वल वाले को पूल्ड कहते हैं और अनइक्वल वाले को अनपूल्ड कहते हैं। हम पी वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे ना इसे? नहीं, ये कौन फैसला करेगा कि कौन सा टी यूज होना है? मैंने बताया था कि ये किस किस बेस पे ये तय होगा। ये बेटा लेवनी टेस्ट डिसाइड करेगा। लेवनी टेस्ट में नल हाइपोथेसिस होता है कि बोथ वेरिएंसेस आर इक्वल,
लेवेनिस टेस्ट में नल हाइपोथेसिस क्या होता है? बोथ वेरिएंसेस आर इक्वल, यानी सिग्मा वन, सिग्मा मेल और सिग्मा फीमेल, ये दोनों सेम है। ठीक है बता। हाँ तो लेवनी टेस्ट की पहले तो देखो, लेवनी टेस्ट का नल हाइपोथेसिस क्या होता है, ये अभी मैं स्लाइड शेयर करता हूँ, उसमें मैंने सारी ये डिटेल लिखी हुई है। लेवनीज टेस्ट बेटा डिसाइड करेगा कि आपने पूल्ड टी वाला यूज करना है आंसर के अनपूल्ड वाला, यानी इक्वल वाला करना है या अनइक्वल वाला। तो मैंने बताया लेवनीज टेस्ट का नल हाइपोथेसिस क्या होता है कि वेरिएंस ऑफ बोथ ग्रुप्स आर इक्वल, वेरिएंसेस ऑफ बोथ ग्रुप्स आर इक्वल, दो ही ग्रुप्स थे ना मेल और फीमेल। हाँ बेटा मुझे बताएं समझ आ रही है मेरी बात की? सर आ रही है ना, इसमें आपने ये नहीं था बताया अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन हो तो लेवेनिस टेस्ट की। मैं बेटा अभी ये कह रहा हूँ कि लेवेनी टेस्ट का नल हाइपोथेसिस होता है कि वेरिएंस वेरिएशन इन वर्किंग आवर्स फॉर बोथ ग्रुप्स इज सेम, और अल्टरनेटिव होता है कि नॉट सेम। ठीक है, तो अब ये पी वैल्यू देखें, हमारे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस था 5% था ना इस सवाल में। यस सर, तो ये बड़ी है ना सर? ये पी वैल्यू आ गई बड़ी, इसका मतलब है एच नॉट रिजेक्ट नहीं होगा, लेवनी वाला एच नॉट रिजेक्ट नहीं होगा। लेवनी एच नॉट क्या था कि बोथ वेरिएंसेस आर इक्वल, ये रिजेक्ट नहीं होगा। पी वैल्यू अल्फा से छोटी आ जाती ना तो फिर हम इक्वालिटी रिजेक्ट करके अनइक्वल पे आ जाते। बात समझ गई या नहीं? यस सर। और अब ये इक्वल है तो पूल टी टेस्ट यूज। हाँ अब इक्वल है तो अब ये इक्वल वाला टी यूज करना है। सर ये वेरिएंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, ये क्या आपने समझाया है? बेटा हमने पढ़ा था कि टी टेस्ट यूज करना हो ना तो दो टी हैं, इंडिपेंडेंट सैंपल्स के दो टी हैं, एक इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम करके और दूसरा, अब देखो ना दो ग्रुप्स हैं ना हमारे मेल और फीमेल, हमने yes, हमने उनके कंपेयर करने थे वर्किंग आवर्स। हमने किसको कंपेयर करना है? वर्किंग आवर्स को। तो वर्किंग आवर्स को कंपेयर करने से पहले हमें ये फैसला करना है कि क्या दोनों ग्रुप्स के वर्किंग आवर्स में वेरिएशन एक जैसी है। देखो ना वेरिएशन मीन एक जैसे हो, वेरिएशन में फर्क हो तो फिर तो yes, sir. हम कंपैरिजन नहीं ना डायरेक्ट कर सकते। ये ऐसे ही है ना, जैसे आप देखो दो प्लेयर्स हैं उनका स्ट्राइक रेट एक जैसा हो तो क्या रैंकिंग दोनों की सेम होगी? सही। तो सर ये वेरियंस हम देखेंगे कहां से? पहले सवाल का जवाब दो ना कि दो प्लेयर्स एक जैसे स्ट्राइक रेट है दोनों का, क्या दोनों का रैंक भी एक ही होगा? कभी आपने देखा हो प्लेयर्स की स्टेटिस्टिक्स के, दो प्लेयर्स क्रिकेट के हैं उनका स्ट्राइक रेट एक जैसा है, क्या रैंक भी एक जैसा ही होता है? नो सर। आपने देखे होंगे किसी प्लेयर का रैंक सेम नहीं होता, हजारों की तादाद में प्लेयर्स हैं रैंक एक नहीं है किसी दो प्लेयर्स का, तो इस पे फैसला होता है। कंपेयर तो आप कर रहे हैं उनके स्ट्राइक रेट, लेकिन किस बेस पे, आप एक जैसे स्ट्राइक रेट हो तो किस बेस पे फैसला करेंगे? फिर देखेंगे कि वेरिएशन किसकी थोड़ी है, कंसिस्टेंट कौन सा है, ऐसे ही है ना। फिर हम देखेंगे कि कौन सा प्लेयर ज्यादा कंसिस्टेंट, ज्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर वो होगा जिसके स्कोर में वेरिएशन कम होगी। तो दोनों की एवरेज एक जैसी होने के बावजूद दो प्लेयर्स का रैंक सेम नहीं होता, उसकी वजह यह है कि उनकी वेरिएशन सेम नहीं होती। वेरिएशंस भी सेम हो तो फिर दोनों का रैंक भी सेम होगा। दोनों प्लेयर्स की वेरिएशन भी अगर सेम हो और रैंक भी स्ट्राइक रेट भी सेम हो तो फिर ऑन एवरेज वो दोनों प्लेयर एक जैसे हैं, दोनों का रैंक एक होगा। तो वहां पे बेटा जो आईसीसी रैंकिंग करता है ना प्लेयर्स की, वो सिर्फ स्ट्राइक रेट की बेस पे नहीं करता, वो स्ट्राइक रेट के साथ साथ उनकी वेरिएशंस को भी देखता है। तो लिहाजा हमने इसको इनके वर्किंग आवर्स
सिर्फ वर्किंग आवर्स को कंपेयर नहीं करना, वर्किंग आवर अगर एक जैसे आ गए तो फिर कौन फैसला करेगा? फिर फैसला करेगा उनकी वेरिएंसेस, एक वेरिएशंस एक जैसी थी उनके के नहीं थी उनकी, फिर कंसिस्टेंसी देखनी है। तो वो ग्रुप ज्यादा कंसिस्टेंट होगा जिसकी वेरिएशन थोड़ी होगी, ठीक है? अगर एक जैसी वेरिएशन है तो फिर हम देखेंगे कि जी किसकी एवरेज ज्यादा है, वो फिर फैसला होगा वर्किंग आवर्स की बेस पे। तो हमारा, हमने चूंकि कंपेयर करना है उनके वर्किंग आवर्स को, लेकिन हमने देखना है कि जी वर्किंग आवर्स में वेरिएशन का पैटर्न क्या है। तो लेवनीज टेस्ट हमें फैसला कर देगा कि उनकी वेरिएशन एक जैसी थी या डिफरेंट थी। अगर एक जैसी थी तो फिर कंपैरिजन के लिए टी स्टेटिस्टिक डिफरेंट है वर्किंग आवर्स के कंपेयर। अगर उनकी वेरिएशन एक जैसी नहीं है तो फिर वर्किंग आवर्स को कंपेयर करने के लिए टी डिफरेंट होगा। ये मेरी बात समझ गए या नहीं? अगर नहीं समझ आई पूछ ले। मिक्स हुआ है मैं तुम्हें सादा सर, नहीं समझ आ रही, एग्जांपल मिक्स हो रहा है। मैं सादा एग्जांपल, आपकी क्लास में दो ग्रुप्स हैं, मेल और फीमेल। यस सर, यस सर। आप में से कई लोग जॉब भी कर रहे होंगे, मेल में से भी और फीमेल में से भी। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी सर कर सर रहे हैं। करें। कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनको छोड़ दिया, जो कर रहे हैं उनको उनका कंपैरिजन करना है कि ऑन एवरेज क्या दोनों में कोई डिफरेंस है, कि एक जैसे ही फर्क वर्किंग आवर्स हैं। तो क्या आपका देखा जाएगा कोई कोई थोड़े घंटे काम, किधर वेरिएशन का फर्क है? आप देखो ना, मेल मेल में वेरिएशन थोड़ी है या फीमेल में थोड़ी है, या दोनों में एक जैसी है? अगर दोनों में वेरिएशन, बेटा वर्किंग आवर्स में वेरिएशन भी तो है कि नहीं है, कि सब एक जैसे घंटे काम कर रहे हैं? एक सर जी वेरिएशंस तो होगी ना, जो काम करती हैं हाँ, वो जो कम काम घंटे करते हैं काम करती उनके हैं। उनके वर्किंग आवर्स में वेरिएशन होगी। तो वेरिएशन बेटा डिसाइड करती है कि जी आपने पूल्ड टी टेस्ट यूज करना है वर्किंग आवर को कंपेयर करने के लिए या अनपूल्ड करना है। ये फैसला होगा आपके वर्किंग आवर्स की वेरिएशन की बेस पे। तो लेवनीज टेस्ट जो है ना, ये आपके वर्किंग आवर्स की वेरिएशन को पहले कंपेयर करेगा, ठीक है? वेरिएशन एक जैसी हुई तो फिर आपको ये टी बताएगा कौन सा यूज करना है। अब देखो, लेवनीज ने बताया कि जी जो इसका जो सिग्निफिकेंट पी वैल्यू आई है वो 11.5% आई है, ये हमारे अल्फा से कहीं बड़ी है। तो लेवनीज का बेटा नल हाइपोथेसिस, लेवनीज किस बेस पे ये टेस्ट परफॉर्म करता है? वो कहता है कि जी दोनों ग्रुप्स में वर्किंग आवर्स की वेरिएशन एक जैसी है, सेम होनी चाहिए। एक जैसी है। नहीं, वो अज्यूम करता है एक जैसी होनी चाहिए। नहीं, वो कहता है जी एक जैसी है, नल हाइपोथेसिस। वो अज्यूम करता है कि जी एक इलेवन इज टेस्ट कह रहा है सर। लेवनीज टेस्ट, ये एफ टेस्ट कहता है कि जी दोनों ग्रुप्स में औसतन वर्किंग आवर्स जो है वो एक जितने ही है, जितने घंटे मेल काम कर रहे हैं उतने ही घंटे फीमेल काम कर रही है। ये नल हाइपोथेसिस के, यानी इसमें वेरिएशन कोई नहीं है, ठीक है? अल्टरनेटिव ये होता है कि नहीं, वेरिएशन है। जो वेरिएशन मेल स्टूडेंट्स के वर्किंग आवर्स में है वो उससे डिफरेंट वेरिएशन पैटर्न फीमेल स्टूडेंट्स के आ गया। तो ये पी वैल्यू फैसला करेगी कि जी दोनों ग्रुप्स में वर्किंग आवर्स में वेरिएशन एक जैसी थी या डिफरेंट थी। तो लेवनिस टेस्ट का बताओ क्या फैसला आया? सर लेविनस टेस्ट ने बताया कि दोनों में वेरिएशन नहीं है, हाँ, एक जैसी नहीं है। नहीं, वेरिएशन तो होनी है, अगर ना हो तो फिर तो कांस्टेंट यानी रहेगा एक जैसी है सर। एक सॉरी, जैसी। एक हाँ, जैसी ये ना कहो वेरिएशन तो है बेटा। वेरिएशन नहीं होगी तो उसका मतलब होगा आपकी डेटा वैल्यूज कांस्टेंट है। कांस्टेंट हो तो वेरिएशन जीरो होती है ना। वेरिएबल कहते किसको है जिसमें वेरिएशन है? अगर वेरिएशन ना हो तो फिर तो वो वेरिएबल है ही नहीं, वो तो कांस्टेंट बन गया।
ये लेवनिज टेस्ट हमें कह रहे हैं कि जी अगर आपने वर्किंग आवर कंपेयर करने हैं तो पहले वो आपको बता रहा है कि जी दोनों ग्रुप्स में वेरिएशन एक जैसी है, उसके सामने क्या लिखा हुआ है, इक्वल वेरिएंसेस। हाँ, अगर ये पी वैल्यू 5% जो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उससे कम होती तो फिर हम कहते कि जी नहीं, वेरिएशन दोनों ग्रुप्स में एक जैसी नहीं है, दोनों ग्रुप्स में जो वर्किंग आवर्स हैं वो उनमें वेरिएशन आ तो रही है लेकिन एक जैसी नहीं है। सर इसमें हमें वेरिएशन ये बता रही है जो लिखा हुआ है एफ के सामने 2.526। नहीं, ये तो टेस्ट स्टेटिस्टिक है ना, ये सैंपल वेरिएंसेस से कंप्यूट की जाती है। ये एफ पता है कैसे कंप्यूट हुआ है, ये ऊपर आपको ग्रुप स्टेटिस्टिक्स नजर आ रही है, स्टैंडर्ड डेविएशन नजर आ रही है मेल स्टूडेंट्स की और फीमेल स्टूडेंट्स की। जी सर, ये बेटा बड़ी वाली को ऊपर रखते हैं, बड़ी वाली कौन सी स्टैंडर्ड डेविएशन है, मेल की है। जी सर मेल की इलेवन हाँ तो फिर पॉइंट फोर नाइन हाँ, एफ वाले एफ कैलकुलेट करते हुए ना बड़ी वाली स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर आती है और छोटी वाली नीचे, दोनों के स्केयर कर देते हैं। तो एफ का फार्मूला राइट जो होता है ना वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ी वाली उसका स्क्वेयर और डिवाइड कर देते हैं छोटी स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वेयर से। तो आप बेशक कैलकुलेटर अगर पास है तो करके देख लो, 11.4951 का स्क्वेयर करो, उसको डिवाइड करो 8.36044 स्क्वेयर से, करके देखो जरा क्या आ रहा है। एक सेकंड सर। जी सर यही आ रहा। यही आ रहा है। तो ये एफ जो है ना, ये एफ बेटा किस चीज को, ये किसकी बेस पे कंप्यूट हुआ है, दोनों वेरिएंसेस की बेस पे। तो एफ हमेशा याद रखना एफ वेरिएंसेस को कंपेयर करता है। एफ टेस्ट किसको, जी टी टेस्ट करता है सिर्फ मीन्स को। टी टेस्ट किनको करता है कंपेयर, मीन को, सिर्फ मीन्स को। दो तक मीन्स भी, वो एक हो दो हो, दो से ऊपर हो जाए तो फिर टी वो काम नहीं करता, फिर वही काम हमें एफ से लेना पड़ेगा। तो अब राइट सर। ठीक है, टी डिस्ट्रीब्यूशन दो, सिर्फ दो तक मीन्स को कंपेयर कर सकती है, या तो सिंगल जो हमने चैप्टर 10 में पढ़ा था, म्यू गिवन था, म्यू इक्वल टू 10, म्यू इक्वल टू 15, ठीक है ना, सिंगल जी मीन्स सर। को टेस्ट कर सकती है या ज्यादा से ज्यादा दो मीन्स को टेस्ट कर सकती है। दो से ज्यादा ग्रुप्स बन जाए ना तो फिर कंपेयर नहीं करता, टी नहीं फिर यूज होता, फिर आगे एफ यूज होता है। तो अब ये एफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन इस हद तक इंपॉर्टेंट है कि ये दो वेरिएंसेस को भी कंपेयर करती है, दो से ज्यादा ग्रुप्स की वेरिएशन को भी कंपेयर करती है। मसलन ये तो मेल फीमेल दो ग्रुप्स है ना, अगर जी फर्ज सर। करें इसी में ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर तीसरा ग्रुप भी आ जाता, तो फिर सर एफ होना फिर था, एफ ये में फिर फिर कंपेयर लेवनी करना। टेस्ट जो है ना ये तीनों ग्रुप्स की वेरिएंसेस कंपेयर करता कि तीनों ग्रुप्स की वेरिएशन एक जैसी है या डिफरेंट है, वो फिर कंपैरिजन करना था उसने। तो एफ टेस्ट जो है ना ये मल्टीपर्पज है। हाँ, अगर देखो ना तीन ग्रुप हो गए तो तीनों ग्रुप्स की एवरेज कंपेयर करनी है तो टी नहीं लग सकता, टी दो तक करता है, फिर एफ एफ ने आना, तो फिर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, वो इससे अगला चैप्टर है, मैं आपको बताऊंगा वो, अभी पहले ये कर ले। सर एक ये सारा स्नैरियो यही है ना जो आपने कल बताया था, वही चीज हाँ ही बता रहे हैं आज भी कि वही चीज बता रहा हूँ जो पी उस ग्रेटर देन अल्फा देन वी यूज इक्विवेलेंस वेरिएंस। बेटा उसमें आप लिखेंगे कि लेवनिज